एक तरफ सरकार आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीबों की मदद कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रायबरेली का जिला अस्पताल इस योजना से सरकार को ठेंगा दिखा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला रायबरेली के गुरबख्शगंज का है, जहां एक महिला की जिला अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। वहीं मृतका के बेटे ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक महिला का बीती 10 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उन्हें उनके पुत्र ने जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनसे ऑपरेशन करने की बात कही और ऑपरेशन के दौरान दोनों डॉक्टरों ने 30,000 रुपए की मांग की, जिसको मृतका के पुत्र ने 10,000 और 20,000 आयुष्मान योजना कार्ड के जरिए दिया। लेकिन जब महिला की ऑपरेशन के दौरान मौत होने के बाद परिजनों द्वारा रिपोर्ट मांगी गई, तो डॉक्टरों ने रिपोर्ट देने से साफ मना कर दिया। क्या घटना हुई, कैसे क्या हुआ? सर, मेरी माँ को 9 तारीख को एक्सीडेंट, मतलब 10 तारीख को एक्सीडेंट हुआ, 10 तारीख को यहाँ पे आके एडमिट कराए, ठीक है। वो 10 तारीख से इलाज कर रहे, उसके बाद में कल मतलब बोले कि नहीं ऑपरेशन करना है तुम्हारी माँ को, और उसके बाद में बोले रात के 12 बजे के बाद में बोले खाना पीना कुछ भी मत देना। आज 12 बजे थे, मतलब उसके थिएटर रूम में लेके गए, और अभी कितना टाइम हुआ है, उसके बाद में बोलते तुम्हारी माँ खत्म हो गई। एक्सीडेंट बना, पाए खाली फ्रैक्चर बना है। आज क्या हुआ जिला अस्पताल में, क्या हुआ तुम बताओ, पूजा क्या हुआ? हमें अम्मा डॉक्टर जब भैया पूछी ऑपरेशन में कहा पड़ी सरिया के अक्षरा, बोले कि ऑपरेशन से मतलब है तुमको न पैसा पड़ रहा है न कुछ, नहीं ऑपरेशन करना है न। डॉक्टर ने कितना पैसा लिया बेटा? 30,000 की मांग की थी, 20,000 रुपए कल निकलवा।